नमस्कार, इन खबर में आप सभी का स्वागत है। देश में बीते दिन 125 दिनों बाद कोरोना वायरस के सबसे कम 30,093 नए मामले दर्ज किए गए थे, लेकिन बुधवार को एक बार फिर 40,000 से ज्यादा नए केस दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 42,015 नए कोरोना केस आए और 3,958 संक्रमितों की जान चली गई। वहीं पिछले 24 घंटों में 36,957 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 36,977 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि कल 1,040 एक्टिव केस बढ़ गए हैं। देश में कोरोना एक्टिव केस की संख्या अभी 4,00,000 से ज्यादा ही है। कुल 4,07,000 लोग अभी भी कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, जिनका इलाज चल रहा है। महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक 3,12,16,000 लोग संक्रमित हुए हैं। इनमें से 4,18,480 लोगों की डेथ हो चुकी है। अच्छी बात ये है कि 3,03,90,000 लोग ठीक भी हुए हैं। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.31% है, जबकि रिकवरी रेट 97% से ज्यादा है। एक्टिव केस 1.30% है। कोरोना एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत 7वें स्थान पर है। कुल संक्रमितों की संख्या के मामले में भारत दूसरे नंबर पर है, जबकि अमेरिका ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा डेथ भारत में हुई है। तो कोरोना की अपडेट पर रहेगी हमारी नजर। आप देखते रहिए इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।